बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अली। आज मैं लेके आया हूं कोरियन फ्राइड राइस की रेसिपी, जो कि सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाती है। ये समझ लें कि आप उबले हुए चावल जो है रात के बचे हुए उसे भी आप बना सकते हैं। तरीकाकार बहुत ही आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में इस्तेमाल होंगे। आप देख सकते हैं खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, लुक भी बहुत प्यारी है, आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्ज़ियाँ ले लेंगे थोड़ी सी। तो सब्ज़ियों में हमने प्याज, थोड़ा सा प्याज के पत्ते ले लें आप, या आपके पास खुराद है तो ले लें, फ्रोज़न सब्ज़ियाँ ले लें, और थोड़ी सी गाजरें काट लें। जो भी सब्ज़ियाँ आपके पास अवेलेबल हैं कोई मसला नहीं है, एक सब्ज़ मिर्च भी साथ में काट ली है मैंने। तो उसके बाद एक अंडा जो है इस तरह से चावलों के ऊपर डाल देंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही शार्ट बनाऊँगा मैं। ये है कलरफुल बंद गोभी, आपके पास जो है अगर सादा बंद गोभी है तो कोई मसला नहीं है, आप उससे भी बना सकते हैं। तो इसको जो है ना काट लेंगे बारीक बारीक, काट कर सारी सब्ज़ियों के ऊपर रख देंगे। तो ये सारी सब्ज़ियाँ मैंने इकट्ठी कर ली, और पैन में डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तो ये हमारे चावलों के लिए काफ़ी है। तो सारी सब्ज़ियाँ हमने इसमें डाल देनी है, सब्ज़ियों को 1-2 मिनट के लिए करेंगे फ्राई। उसके बाद हमने सबसे पहला काम क्या करना है, तो इसमें डालना है नमक। नमक डालेंगे सब्ज़ियों को साथ साथ, हल्की आँच पर भूनते जाएंगे। सब्ज़ियाँ हमें कच्ची चाहिए, ये है धनिया पाउडर, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर, और थोड़ी सी काली मिर्चें, और थोड़ा सा जो है हल्दी पाउडर भी डाल दें। टमाटो पेस्ट है ये, थोड़ा सा ये डाल दें। रेड चिली सॉस थोड़ा सा डाल दें। इसके बाद अगर सोया सॉस आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। तो इनको जो है अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 3-4 मिनट। सब्ज़ियाँ हमें कच्ची चाहिए, आपको पता है फ्राइड राइस में सब्ज़ियों का जो है ना थोड़ी सी जो है जान में होनी चाहिए, बहुत मज़े की लगती हैं। फिर इस तरह से फ्राई हो गई हैं सब्ज़ियाँ, 2 मिनट लगे हमारी फ्राई होगी। इसके बाद अंडा जो चावल हमने रखे थे वो इसमें डाल देने हैं। तो अंडा मैंने सिर्फ लुक के लिए रखा था, थंबनेल के लिए रखा था, आप अलहदा से भी अंडा मिक्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बहुत सारे दोस्त जो है कमेंट करके वीडियो के नीचे चले जाते हैं, यार वीडियो बहुत ही मेहनत से बनती है, टाइम बहुत कम होता है, तो बहुत कम टाइम में वीडियो भी बनानी होती है, खाना भी बनाना होता है। तो प्लीज़ वीडियो को, हर वीडियो को एंड तक देखा करें, प्यार दिया करें, यह आपकी मोहब्बत है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी मज़े की रेसिपी तैयार हुई है। आपका मैंने टाइम तो वेस्ट नहीं किया ना, बहुत कम टाइम में मैंने आपको रेसिपी जो है बना कर दिखा दी है। तो इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे, ये आप देख सकते हैं इसकी खुशबू लाजवाब, यकीन करें बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है, क्या ये कोई रेस्टोरेंट से कम है इसका टेस्ट, या इसका इसकी लुक रेस्टोरेंट किसी से कम है तो मुझे बताएं, कमेंट करके लाजमी बताएं हमारी रेसिपी कैसी तैयार हुई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, तो बेल आइकन के साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत सारी दुआओं के साथ अपने भाई को दे दें इजाज़त, मिलते हैं कल एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, बाय बाय।